सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ द यूनिवर्सिटी कैंपस टूर और हम जा रहे हैं दिल्ली जयपुर हाईवे से निम्स यूनिवर्सिटी। दिस इज़ गेट नंबर 1 जहाँ से पेशेंट्स प्लस एम्बुलेंस की एंट्री होती है। बीच में है निम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और सामने हम जहाँ से एंट्री करेंगे वो होगी गेट नंबर 2, क्योंकि पेरेंट्स प्लस स्टूडेंट्स प्लस स्टाफ की एंट्री वहीं से होती है या आई थिंक गार्जियंस है पेशेंट्स के। और ये है गेट नंबर 2 जहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है पहले आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हो उससे पहले, जो कि मैंडेटरी है। और हाँ, इसके बाद स्टूडेंट्स के फोटोज़ लगे हुए हैं जहाँ पे आपका भाई का फोटो भी लगा हुआ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अप्रिशिएट किया है मेरा कैनेडा जो सिलेक्शन हुआ है। और ये है यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज। सो एज पर माय ऑब्जर्वेशन, जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी अलग प्रायोरिटी होती है पूरी यूनिवर्सिटी में। और इसके सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो है फिजियोथेरेपी कॉलेज, जहाँ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स होते हैं। उसके बीच में एक रेस्टोरेंट है विस्टा कोलेना, जहाँ पे इटालियन और आई थिंक यूरोपियन फूड अच्छा मिलता है। और सामने है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट जिसका एंट्रेंस आपको हम दिखाते हैं। तो ये है यूनिवर्सिटी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट का एंट्रेंस। और जो बच्चों का ड्रेस कोड आपने देखा वो है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट का ड्रेस कोड। और ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल ब्लॉक, जहाँ पे एसी रूम्स अवेलेबल होते हैं स्पेशली फॉर एमबीबीएस एंड डेंटल स्टूडेंट्स। तो गर्ल्स हॉस्टल ब्लॉक के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में ये एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है जो है होने वाला है हॉस्टल कॉम्प्लेक्स नए स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और ये है लाइक आई थिंक फैकल्टी ब्लॉक्स भी हैं यहाँ पे। और ये जो आप सामने देखने वाले हैं तो ये गर्ल्स हॉस्टल है। इसके अलावा इसके ऑपोजिट साइड में जो पीछे हम देखने वाले हैं ये है एमबीबीएस बॉयज़ के लिए, जहाँ पे आई थिंक एसी सर्विसेज प्रोवाइड होती है एडिशनल चार्ज के ऊपर, क्योंकि उनका चार्जेस महंगे होते हैं। सामने फैकल्टी क्वार्टर्स है। सामने आपको दिख रही है नर्सिंग कॉलेज, उसके बगल में खड़ा हो रहा है एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिडेंशियल पर्पज़। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये फार्मेसी कॉलेज, जहाँ पे फार्मेसी डिपार्टमेंट है, और बगल में है निम्स स्कूल इंटरनेशनल स्कूल। तो भाई अब हम पहुंच चुके हैं हमारे खुद के कॉलेज, मतलब कि मैनेजमेंट ब्लॉक पे, जो कि मेरे पीछे ही रहा। तो लेट मी शो यू कि मैनेजमेंट ब्लॉक कैसा है क्या नहीं है। और धूप का माहौल कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रखा है। तो ये हमारा डिपार्टमेंट है और सबसे शानदार डिपार्टमेंट मेरे को तो यही लगता है। यहाँ पे लॉ कॉलेज भी है, एविएशन कॉलेज भी है, और फैशन डिपार्टमेंट भी है, होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी है। तो सामने आपने देखा नर्सिंग कॉलेज है, बगल में क्रिकेट ग्राउंड है। ये है हमारा रिसेप्शन एरिया जहाँ पे हमारे डायरेक्टर सर का ऑफिस है, और ये थोड़ी छपरी पंती करता हुआ मैं, और सामने हमारे डिपार्टमेंट के स्टाफ रूम्स हैं। ये है लेक्चर थिएटर जहाँ पे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की पूरी क्लासेज लगवाई जाती हैं, और ये कुछ हमारे जूनियर्स हैं। और ये है डिपार्टमेंट के सेकेंड ईयर में आने के बाद आपके क्लासरूम्स, क्योंकि आपको स्विच करवा दिया जाता है। ये अल्ट्रावाइड कैमरा के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू है, जहाँ पे आपको चार चीज़ें दिखाई दे रही है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप उसको पॉज करके देख लें। सामने यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है। जब हॉस्पिटल की बात आई गई तो मैंने सोचा आपको कुछ दिखा दिया जाए कि हॉस्पिटल कैसा है। तो आप सामने जो गैलरी देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग वार्ड्स हैं, और ये पेशेंट्स के लिए लाइक उन्होंने वार्ड बनाए हुए हैं, जहाँ पे आई थिंक ये लेडीज़ के लिए था। यहाँ पे जनरल वार्ड है जहाँ पे जेंट्स एंड लेडीज़ दोनों हैं। ये कुछ वहाँ का सर्विस स्टाफ है। हमारे डिपार्टमेंट के बिल्कुल बगल में है LG, जहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। लोग लंच भी यहीं पर कर रहे हैं, डिनर भी यहीं पर कर रहे हैं हॉस्टल के खाने से पक्के। इसके अलावा हम देखने वाले हैं हॉस्टल, तो ये है बॉयज़ हॉस्टल जो हमारे टाइम पर हमारे लाइक फ्रेशर्स थे उन सबको प्रोवाइड करवाते थे फैसिलिटी यूनिवर्सिटी के थ्रू। और ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर है जो नए फ्रेशर्स के लिए होने वाला है, तो ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आई थिंक। और ये पता नहीं 10 महीने में कैसे इन्होंने इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं। बगल में और भी आप हॉस्टल्स देखने वाले, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स रहते हैं। और पीछे भी एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, तो भाई इन्वेस्टमेंट्स की तो हद हो रखी है। यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है तोमर सर ने। और ये 3-4 आप ब्लॉक देखने वाले, जैसे ओवरसी हॉस्टल हो गया, इसके अलावा ये 2 हैं। इसके अलावा एक सुभाष ब्लॉक और है जो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, आई थिंक 10-12 मंजिल की है, और ये पूरा रेजिडेंशियल ब्लॉक है। अब हम आ जाते हैं हमारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए। तो सामने आप जो देख रहे हैं जिम है, इसके अलावा लाइक काफ़ी यहाँ पे कोर्ट्स है जो आप यहाँ पे बीच में मैंने मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड होने वाली है। जस्ट बगल में आपको एक और जगह दिखती है जिसका नाम है ला पोपोते, नाम मेरे को समझ नहीं आता था। अंडे सस्ते मिलते थे बट यहाँ पे बॉयल्ड एग यहाँ पे 7.5 रुपये में मिल रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। और ये छाया के लिए शेडिंग कर रखी है, स्टूडेंट्स को धूप में परेशानी ना हो। ये है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की सेकेंड बिल्डिंग, जो कि एडवांस इंजीनियरिंग नाम से फेमस थी। बीच में बन रहा है एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि होने वाला है AI से रिलेटेड, और
ये आपको नज़ारा कुछ दिखेगा जब आप इस रोड से आते हैं। ये है NIET जहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स की भीड़ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं भाई इस डिपार्टमेंट के पास। ये कुछ एयरप्लेन है जो आई थिंक एरोस्पेस प्लस एविएशन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे खड़े हैं। उड़ते तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये सोचना मत कि उड़ते भी होंगे। और ये कुछ स्टूडेंट्स की घर से वापसी हो रही है यूनिवर्सिटी कैंपस में, जालिम दुनिया में। इसके अलावा ये जो बगल में देख रहे हैं ये क्रिकेट ग्राउंड, और वो सामने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया था नर्सिंग कॉलेज के बगल में है जो है। इसके अलावा हम आते हैं हसीना चौक पे जो कि बहुत फेमस है। तो आने वाला जो आपको स्लाइड दिखने वाली है ये होने वाला है हसीना चौक, जहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल के पास में से, पता नहीं क्यों बट हसीना चौक इसे बोलते हैं। और ये बिल्कुल बगल में जो डिपार्टमेंट है ये पैरामेडिकल है, जहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ की क्लासेस भी चलती हैं। और ये दो बैंक्स हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, इसके अलावा एक और बैंक है HDFC बैंक जो मैं नहीं दिखा पाया। और ये हमारा है ऑडिटोरियम का बैक एंट्रेंस जहाँ पे हमने काफ़ी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाए। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को यहाँ देखने के लिए। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना।